सबसे पहले तो मेरा मकसद ये है कि यहाँ लोगों की जो समस्या है ना, उनको सुनने कोई नहीं आ रहा। पिछले 15 साल से पब्लिक बहुत परेशान है। बाहर के प्रत्याशी आते हैं, अपने चुनाव में वोट लिए और यहाँ से निकल जाते हैं। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ लोकल के नाते यहाँ उन लोगों की समस्या को सुनेंगे नहीं, उनका निराकरण नहीं करेंगे, तो फिर कौन आएगा? क्या प्रमुख एजेंडे हैं जो आप अपने इसमें चुनावी अभी जैसे आप देखिए अलवर में, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अलवर ज़िले में ही है, ये डार्क जोन में भी है, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। हमें सबसे पहले भाई पानी की समस्या पूरी करनी है। फिर जैसे सरकारी स्कूलों की तरफ आप देख रहे होंगे, सरकारी स्कूलों के ढांचे भाई दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही। और भी बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएँ और भी बहुत सारी प्रमुख समस्याएँ जिनका निराकरण करना है। अब कितनी बार आपने इसमें चुनाव में नामांकन? मैं इस बार तीसरी बार चुनाव दोबारा निर्दलीय से ही भरे। तीसरी बार भी मैंने निर्दलीय। क्या किसी पार्टी का समर्थन है? पार्टी का समर्थन तो वैसे हम सब कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन हमें तो सिर्फ जनता की समस्या सबसे मेन समस्या। आम आदमी पार्टी का आप कार्यकर्ता हैं और आपने निर्दलीय से फॉर्म भरा, पार्टी की समस्या? पार्टी की राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रही है। अच्छा, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी हाल ही में जो एक्टिविटी हुई है अरविंद केजरीवाल के सीएम थे, क्या मानते हो सही था? तो अभी कुछ नहीं है। मैं जब से आचार संहिता लगी है ना, तब से मैं अभी ये फॉर्म वगैरह इन चीज़ों। अलवर लोकसभा के 2 प्रत्याशी हैं बीजेपी से और कांग्रेस से, एक बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस से भी अभी स्टैंडिंग विधायक हैं, तो क्या मानते दोनों कैंडिडेट किस तरह से हैं? क्या आप उनका किस तरह से चुनावी माहौल? आपको अच्छे से पता है तो बीजेपी से कैंडिडेट है ना, वो अलवर ज़िले से है नहीं कैंडिडेट, बाहर से। कोई पिछली बार वाला के हरियाणा से कैंडिडेट आते हैं, अजमेर से आते हैं और यहाँ से वोट लेके जीत के गायब हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए स्थानीय कैंडिडेट ताकि वो कुछ कर सके। स्थानीय तो ललित यादव भी हैं। ललित यादव खुद MLA हैं और मेरे को नहीं लगता कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये उन्होंने गलती की है, उनको अभी मुंडावर की जन समस्याओं को ही समझना चाहिए और उसी पे खड़ा उतर के उसके बाद उनको आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि उन्हें अभी विधायक रहते हुए काम करना चाहिए। विधायक रहते हुए काम करना चाहिए। फिलहाल जो स्थिति है चुनावों की, आप जो पार्टियां हैं बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही, आपकी व्यूहरचना क्या है? आपके कार्यकर्ता, आपकी टीम कितना विस्तार है, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए आपको पता है भाई बड़ी पार्टियां हैं वो तो अपना सब कुछ दांव पे लगाती है। हम निर्दलीय प्रत्याशी है, हमारे पास हमारी एक छोटी सी पहचान होती है। मैं लोक रेजेंट हूँ, LLB किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लोगों की समस्याओं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को जाना है, परखा है, कई समस्याओं में तो उनके साथ गया हूँ, कुछ में निराकरण भी कराए, तो इसलिए मेरे को चुनावों में धनबल का भी उपयोग होता है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? सर धनबल से मैं थोड़ा परहेज करता हूँ क्योंकि शायद हम उनकी तरह नहीं कर पाए, लेकिन हम जनता की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। एक पढ़े लिखे बच्चे हैं तो इस चीज़ को हम समझते हैं बेहतर तरीके से कि कौन से काम को भाई कहाँ जाके कैसे किसी तरीके से मुझे क्या करवाना है ताकि पब्लिक की आराम से रह सके। अच्छा, बीजेपी का नारा है 400 पार, क्या लगता है 400 सीटें आ जाएगी? मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो 400 पार आए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।